मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी। हमको पहली बार ऐसा दिखाई दिया, मोदी जैसा विद्वान, उनके बाद सेकंड नाम अमित शाह। अपने दामन को पहले देखिए, फिर दूसरे पे सवाल उठाइए। देखिए, अहंकार है, और आजमगढ़ के लोगों ने योगी जी को उनके इस वक्तव्य के लिए पुरस्कार दिया। अब शिक्षा के प्रति आजमगढ़ को, गाजीपुर को, जहां आप नाम ले रहे हैं, तो अल्लामा शिबली नुमानी या गाजीपुर के साथ राही मासूम रजा। अब आप बताइए, शिक्षा के प्रति जब आप दिल्ली से इन गाजीपुर और आजमगढ़ की तरफ निगाह डालते हैं, तो वहां आपने शिक्षा के महत्व को कहां खड़ा कर रखा है? मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी बनाई जाती हैं, आप सवाल नहीं उठाते हैं कि एक से एक बड़े बड़े विद्वान हैं। आप मोदी जी की शिक्षा को, उनकी डिग्री को कभी चर्चा में नहीं लाते हैं। तो शिक्षा का स्तर तो जो लोग हुकूमत में बैठे हैं उन्होंने इसको नए नए प्रयोग कर डाले, और एक्सपर्ट कोई है किस विषय में, और काम उसको दे दिया जाए किस विषय का, इतिहास का जानकार, और उसको आप फाइनेंस थमा दीजिए, और फाइनेंस का जानकार है उसको रक्षा मंत्रालय थमा दीजिए। आपकी अपनी आपको लगता है दिल्ली की सरकार की वजह से ये जो गढ़ गई शिक्षा, ये अभी तो हमको पहली बार ऐसा दिखाई दिया, मोदी जैसा विद्वान, उनके बाद सेकंड नाम अमित शाह, उनकी विद्वता, उनकी डिग्री, किस पे बात की जाए? स्मृति ईरानी किस पे बात किया जाए? जय शाह पे बात किया जाए? किसकी योग्यता और किसकी डिग्री पे बात किया जाए? आप बताइए, ये देश की जनता खुद अवाक है। अपने दामन को पहले देखिए, फिर दूसरे पे सवाल उछालिए। ठीक है, जो सवाल का दूसरा हिस्सा था, आप पसंद करते हैं या जो आपके परिवार की पुरानी पहचान रही है उसे आप ज्यादा पसंद करते हैं? ये विशेषाधिकार है तो नहीं कानून में आपको, लेकिन हमारी मीडिया ने जबरदस्ती ये विशेषाधिकार बना लिया है कि वो जिसे चाहे शंकराचार्य की डिग्री दे दे और जिसे चाहे माफिया बना दे। आप क्या पसंद करते हैं? हमको कह, आप पूछो किसको क्या पसंद हो सकता है, ये कोई प्रश्न है? आप किसी को गाली बकिए तो कहिए कि आपको कौन सी तरह की गाली अच्छी लगती है। मैं जो हूं, मुझे जो हमारे क्षेत्र की जनता समझती है और जानती है, उसको आपके प्रस्तुत करने से दूर दराज कहीं लोग हो सकता है गुमराह हो जाएं, लेकिन बाकी तो ऐसा नहीं है। दूर के लोग भी आपको जानते पहचानते हैं, तो हमारे चाहने से उल्टा होगा ना, कैसे हो सकता है? हमारी इच्छा और चाही हुई चीजें एक्सेप्ट कैसे हो सकती है? यहां की जनता कोई फैसला लेती है तो हमारे देश की मीडिया, जो गोदी मीडिया कही जाती है, वो कहती है कि तो बड़े जातवादी लोग हैं वहां के, ये तो जात जीत गई और विकास हार गया। कहां पूछने जाते हैं आप कि हमारे देश के संचार मंत्री श्री मनोज सिन्हा जी आरोप लगा था कि 2G के नीलामी में कुछ घपला हुआ है, ए राजा भी जेल चले गए, कनी मोझी भी जेल चली गई, 4G में क्या हुआ, और फिर पूरा BSNL का कबाड़ा कैसे हो गया? 4,00,000 करोड़ रुपया व्यय हुआ था भारत सरकार का, ये दुनिया की सबसे बेस्ट तकनीकी और मशीनें, अंतरिक्ष में हमारे टावर, और मिट्टी में मिला दिया 4,00,000 करोड़ रुपया। अब जो मंत्री है, हम उसके अगर मंत्री हों
तो हमें उसका रिस्पांसिबल नहीं माना जाएगा। अजीब अंदाज है देखने और समझने का। अंदाज तो ये भी है कि जब गाजीपुर की बात होती है तो आपने सुना होगा उन्होंने कहा था कि राजेंद्र का नाम अगले 5 साल में हम बदल देंगे। बदल दिया, छुपा रखा है, कुछ नहीं छुपा, कुछ बीजेपी हासिल करना चाहती है। देखिए अहंकार है और आजमगढ़ के लोगों ने योगी जी को उनके इस वक्तव्य के लिए पुरस्कार दिया। विधानसभा चुनाव में प्रदेश में उनकी सरकार बनी, लेकिन गाजीपुर और आजमगढ़ में जहां सबसे ज्यादा बुलडोजर चला था, शून्य है आजमगढ़ में, शून्य है गाजीपुर में। अहंकार है तो अहंकार तो महाराजा कंस को भी था, कोई भी खिलाफ बोलेगा सर कलम करा देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। महाराजा उग्रसेन जो उनके पिताश्री थे उनको भी जेल में डाल दिया। तो ये लोग तो बस हमारे विरोध में है तो उसको मिटा दो। एक और मुद्दा जो इंडिया गठबंधन केंद्र से मोदी को हटाना है, लेकिन जो एक अलग आपके आपके सेट किया कर दी इंडिया एयरलाइंस के लोग, अब चार तारीख को एक शेर के जरिए कह दूं इसको, आंधी मगरूर दरख्तों को पटक जाएगी, बस वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी, और आसमां छूने का हो जाएगा खुद अंदाजा जब जमी पांव के नीचे से सरक जाएगी। लल्लू सिंह जो सिटिंग एमपी हैं मौजूदा और फिर चुनाव भी लड़ रहे हैं, क्या उन्होंने ये नहीं कहा है कि जिस दिन 2/3 बहुमत हमें मिल जाएगी हम इस संविधान को हटा देंगे? क्या वो बीजेपी के लीडर नहीं है? अरे संविधान हटाने का मतलब कि हम अपना संविधान बनाएंगे, हम गुजरात में बैठेंगे और वहीं से नॉमिनेट कर देंगे बलिया का एमपी कौन, गाजीपुर का एमपी कौन। इसी को लेकर जो नैरेटिव ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है जी तो छीनने के देना मुसलमानों को दे दिया जाएगा, जबकि जो ओबीसी आरक्षण है वो जाति आधारित आरक्षण नहीं है, वो आर्थिक असमानता को लेकर दिया गया आरक्षण है। सारी मुस्लिम जाति भी कुछ आती है उसके दायरे। सारी विडंबना यही है कि ये लोग अपना फार्मूला अपने ढंग से बनाते हैं, पहले राउंड के रुख को देख के घबराहट में उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई जिसके पास 2 घर है, इंडिया गवर्नमेंट वालों की सरकार आएगी तो 1 घर ले लेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।